हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्स वर्सेस टी ग्राफ एंड वी वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ को स्टडी करने से पहले हम स्लोप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है और कब इन्फाइनेट होता है, ये भी हम स्टडी कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कोई वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है और हमने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करी है। ये लाइन के हम दो पॉइंट सोचेंगे, एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट और दूसरा होगा हमारा एक्स टू और वाई टू कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा हमारा डेल्टा एक्स और ये होगा हमारा डेल्टा वाई। ये लाइन ने एंगल बनाया है थीटा। ओके सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो कंपोनेंट ऑफ ए क्या लिख सकते हो आप? कंपोनेंट ऑफ ए लिख सकते हो एक्स वन वाई वन। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बी क्या लिख सकते हो आप? एक्स टू वाई टू लिख सकते हो। अब ये लाइन ए बी का स्लोप कैसे फाइंड करते हो? तो लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ पोजिशन टू द डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजिशन, जो होता है वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। इफ यू वॉन्ट टू राइट वाई वन फ्रंट देन वाई वन माइनस वाई टू बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। बच्चों वाई टू माइनस वाई वन मतलब कि डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट्स, अब उसको डेल्टा वाई भी लिख सकते हो। इसी तरह से नीचे आप डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे आ जाओ डायग्राम पे, जरा ध्यान से देखिए। डायग्राम में हमने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? हमारा एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? वाई कंपोनेंट का डिफरेंस होगा। अगर हम यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बच्चों बट ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो स्लोप होता है, मतलब कि टेन थीटा भी हमें क्या शो करेगा? स्लोप ऑफ लाइन ही शो करेगा। इट मीन्स हम टेन थीटा के इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो स्लोप के हमारे पास यहाँ पे टू इक्वेशंस हो गए बच्चों, टेन थीटा डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ओके एंड सेकंड वन कौन सा होगा? रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट। क्लियर? ओके एक और मेथड थी स्लोप निकालने की, जो हमने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया था। क्या था वो? इफ वाई इज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स देन डीवाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो इस थ्री मेथड से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लाइन्स ड्रॉ करी हुई है इस ग्राफ के अंदर, आप देख सकते हो ए बी लाइन, बी सी लाइन, बी डी लाइन, ई लाइन। ये सारी लाइन का स्लोप हम निकालेंगे। वो स्लोप किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, इसका जीरो होगा, इसका इन्फिनिटी होगा, ये भी हम नोट करेंगे। ओके तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन के अंदर जो पॉइंट्स है वो सबके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा? वन वन, देखो ये एक्स एक्सिस से वन और वाई एक्सिस से भी वन डिस्टेंस, यानी वन वन। बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो बी पॉइंट यहां पे है तो एक्स पे उसकी वैल्यू होगी थ्री और वाई पे होगा फोर, तो थ्री फोर हो गया। अब सी का पोजीशन क्या होगा? ये हमारा सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे फाइव और वाई एक्सिस पे फोर, तो ये हो गया फाइव फोर। बात करते हैं पॉइंट डी की। डी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स पे होगा फाइव और वाई पे होगा टू, यानी फाइव टू। बात करते हैं पॉइंट ई की, तो ई का पोजीशन क्या होगा बच्चों? एक्स पे जाएंगे फोर और वाई पे जाएंगे वन और वन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच्चों फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन। स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी लाइन, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिख देते हैं स्लोप का। क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ए बी को देखो, ए और बी में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका एक्स वन वाई वन होगा, ये क्या होगा? एक्स टू वाई, मतलब वाई टू फोर और वाई वन वन, तो आएगा फोर माइनस, यहां पे लिखते हैं फोर माइनस वन,
और ये 3 माइनस 1 मतलब हो गया आपका 3/2 आंसर। तो ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपका आया है 3/2। इसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, चलिए स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? तो सर बी और सी में ये हमारा एक्स वन वाई वन, ये होगा एक्स टू वाई टू। चलिए वाई टू माइनस वाई वन करिए, तो वाई टू माइनस वाई वन मतलब 4 माइनस 4, नीचे आएगा 5 माइनस 3, आपका आंसर आ जाएगा 0। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ बीडी लाइन। चलिए बीडी लाइन, ये रहा हमारा बीडी लाइन, तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। फिर से देखिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू फॉर बीडी। तो वाई टू क्या होगा आपका 2 और वाई वन वन 4, 2 माइनस 4 5 माइनस 3, ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा 2, योर आंसर इज -1। ओके अब बची कौन सी? ए ई लाइन। चलो स्लोप ऑफ ए ई लाइन, स्लोप ऑफ ए ई लाइन, बच्चों स्लोप ऑफ ए ई लाइन मतलब कि ये ए पॉइंट आपका एक्स वन वाई वन होगा और बी होगा एक्स टू वाई टू। ये आपका एक्स वन वाई वन, ये होगा एक्स टू वाई टू। फिर से एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। फॉर्मूला क्या है हमारा? वाई टू माइनस वाई वन, देखिए वाई टू माइनस वाई वन मतलब 1 में से 1 माइनस करो। ओके सर 1 में से 1 माइनस कर लिया, क्लियर। और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे हम? 4 माइनस 1 करेंगे, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा? 0। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन है, सीडी लाइन, स्लोप ऑफ सीडी। हमें सीडी लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों। तो सीडी में क्या होगा? ये हमारा एक्स वन वाई वन बनेगा, ये एक्स टू वाई टू, मतलब ये एक्स वन वाई वन और ये होगा एक्स टू वाई टू। निकालिए स्लोप क्या होगा? तो वाई टू 2 है, वाई वन 4, 2 माइनस 4, नीचे क्या होगा? 5 माइनस 5, तो 2/0 जो होगा इंफिनिटी। मतलब कि बच्चों यहां से हमें ये चीज तो पता चल गई कि अगर कोई लाइन इस तरह से है, ए बी लाइन, देखिए ये ए बी लाइन, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लाइन ऊपर जा रही है, उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। बी सी लाइन रेफरेंस एक्सिस के लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा? 0, ये स्लोप 0। बी डी लाइन को देखिए, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लाइन नीचे आ रही है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ए लाइन को देखिए, अलाइन टू द रेफरेंस एक्सिस, स्लोप क्या होगा आपका? 0। और अगर आप सीडी लाइन को सोचोगे तो सीडी लाइन हमारे रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए कि ये स्लोप पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, इन्फिनिटी। फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी, क्लियर? ओके प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ। सिर्फ फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास एक्स वर्सेस टी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसके 2 पॉइंट होंगे, जिसके कंपोनेंट भी आप देख सकते हो। क्या है कंपोनेंट? फर्स्ट का कंपोनेंट सपोज हम इसको ए पॉइंट बोलेंगे, इसको बी पॉइंट बोलेंगे। तो ए का कंपोनेंट होगा हमारा एक्स वन टी वन, अरे टी वन एक्स वन, और बी का कंपोनेंट होगा हमारा टी टू एक्स टू, है ना। अब अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या हो सकता है? देखिए स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट टू द डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट। हाँ सर, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक्स के बदले टी है और वाई के बदले एक्स, होगा क्या? एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन। आप जानते हो इस इक्वेशन को? हाँ सर हम जानते हैं। क्या होता है बताइए? सर ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम का चेंज, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखिए हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलेगा इन एक्स वर्सेस टी ग्राफ? स्लोप क्या होगा? स्लोप हमें शो करेगा एवरेज वेलोसिटी। बच्चों आपने जब स्लोप निकाला तो स्लोप क्या आया? एवरेज वेलोसिटी, क्लियर? ओके अब जरा ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, क्या कह सकते हैं आप? ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ में ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस सर, स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी?
सर एक्स वर्सेस टी ग्राफ में तो स्लोप होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है, पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना इसी। चलिए यहां पे देखिए, सपोज ये हमने कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया एक्स वर्सेस टी, क्या है ये स्लोप, सर स्लोप तो नेगेटिव है, यस स्लोप लेस देन जीरो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज इन एक्स वर्सेस टी ग्राफ स्लोप क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, देखो पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो ये हो गया बच्चों एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक और ग्राफ स्टडी करते हैं, ये रहा, क्या कह सकते हो आप इसके लिए, सर यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है पर पोजीशन रिमेन सेम, देखते हैं बोल सकते हो आप, पर अदरवेज बच्चों इसका स्लोप क्या है, सो सर यहाँ पे एक्स वर्सेस टी का ग्राफ में स्लोप जीरो है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप जीरो है, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्या है एवरेज वेलोसिटी जीरो, मतलब कि हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, इन रेस्ट। तो बच्चों ये ग्राफ है रेस्ट वाला, एक और स्टडी करते हैं, हाँ सर एक और स्टडी कर लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हो आप, क्या आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ सर यहाँ पे इरेगुलरली पोजीशन चेंज हो रही है, नॉट रेगुलर इंटरवल, टाइम के साथ कभी मोशन प्लस डायरेक्शन में है कभी माइनस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इर रेगुलर मोशन, ये हमारा जो ग्राफ है वो हमें पार्टिकल का इरेगुलर मोशन शो कर रहा है। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी शो कर रहा है, क्लियर, नोट डाउन। अब बच्चों हम बात करेंगे वी वर्सेस टी ग्राफ की, तो वी वर्सेस टी ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वी वर्सेस टी ग्राफ, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, उसके हम दो कंपोनेंट्स वाले पॉइंट निकाल देंगे, हाँ सर पॉइंट निकाल दीजिए, ये T1 होगा ये T2 हो गया, ये V1 हो गया ये V2, ये आपका फर्स्ट पॉइंट A ले लो, इसको ले लो B, है ना, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, ये आपका क्या होगा डेल्टा टी, ये क्या होगा डेल्टा वी, चलो पॉइंट्स क्या होंगे इसके, सर ए पॉइंट होगा T1 V1 और बी पॉइंट क्या होगा T2 V2, इस तरह से आपको वी वर्सेस टी ग्राफ गिवन है। ओके स्लोप फाइंड करते हैं, हाँ सर स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप क्या होता है रेशियो ऑफ वाई कम रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट तो डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे आएगा हमारा Y2 यानी V2, Y1 यानी V1, तो V2 - V1 / T2 - T1, तो ये हो गया डेल्टा है, ये हो गया डेल्टा वी और ये हो गया डेल्टा टी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, यस तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि वी वर्सेस टी ग्राफ में, वी वर्सेस टी ग्राफ में अगर आपने स्लोप निकाला तो स्लोप क्या होगा, वी वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप होता है एवरेज एक्सलरेशन, ये चीज आपको नोट करनी चाहिए, हम यहां पे कर लेते हैं, वी वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या होता है एवरेज एक्सलरेशन, क्लियर, इसको नोट करिए क्योंकि एमसीक्यू सोल्व करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफिकल एमसीक्यू के लिए हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव कर लिए हैं जो हमने यहाँ पे नोट भी कर लिए। ओके फिर से एक बार रिपीट करिए, भाई वी वर्सेस टी ग्राफ है हमारे पास, यस सर वी वर्सेस टी ग्राफ है, तो उसके अंदर स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा एक्सलरेशन एवरेज एक्सलरेशन, इसको आप डायरेक्टली सीख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाई वर्सेस एक्स ग्राफ में स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है वाई बाय एक्स, है ना, अब हमारे पास तो वी वर्सेस टी ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या हो सकता है सर, इसका स्लोप वी बाय टी हो सकता है। ओके वी बाय टी को आप क्या बोल सकते हो एक्सलरेशन एवरेज एक्सलरेशन, क्लियर है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि ये एक्सलरेशन बताएगा।
अब आ जाए यहाँ पे, तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं बताएंगे, ये हमारा वी वर्सेस टी ग्राफ है। चलिए बताइए स्लोप क्या है यहाँ पे। सर यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है यानी स्लोप ग्रेटर देन 0। तो एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब कि बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। ये कौन सा मोशन है? एक्सलरेटिव मोशन है, ये एक्सलरेटिव मोशन। सपोज हमने ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये वी वर्सेस टी ग्राफ है। यहाँ पे बच्चों स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? लेस देन 0। बिकॉज वी वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे नोट किया है ना हमने। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होता होगा। तो ये क्या है? मोशन विथ डी एक्सलरेशन, मतलब कि रिटार्डेटिव मोशन है। सपोज यहाँ पे बात करते हैं कि वी वर्सेस टी ग्राफ के अंदर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, मतलब कि टाइम तो चेंज हो रहा है, पर टाइम तो चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रहा है। अगर स्लोप 0 है, वी वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप 0 है भाई, वी वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप 0, मतलब कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, वो ऑन चेंज्ड रहता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वी वर्सेस टी ग्राफ, बच्चों आप इतने पॉइंट्स तो इजीली लिख सकते हो। सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब बात करेंगे कर्व इन एक्स वर्सेस टी ग्राफ। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, और इस तरह से कोई कर्वेचर है। हम कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट सोच लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। चलिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये सर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और हमने यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो कौन सा स्लोप बड़ा होगा बताइए? स्लोप 8a या तो स्लोप 8b? आप बोलोगे सर स्लोप बी इज मोर देन स्लोप ए, है ना? मतलब हम ए टू बी मूव हो रहे हैं, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी ए पॉइंट से ज्यादा है, मतलब बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब कि ये एक्सेलरेशन हमारा क्या है? इंक्रीज हो रहा है। ये मोशन एक्सेलरेटिव मोशन है। यहां से एक चीज ये भी नोट कर सकते हैं, अगर कर्वेचर एक्स वर्सेस टी ग्राफ के अंदर कर्वेचर अपवर्ड है, क्या है? यानी ये कर्व ऊपर की ओर बन रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ से आप इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, चलिए दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं। हमने कुछ इस तरह से ग्राफ स्टडी बनाया है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। यहाँ पे भी हमारे पास कर्वेचर है, हम दो पॉइंट को सोच लेंगे, एक ए और बी पॉइंट। चलिए यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट टच करना चाहिए भाई, टच करना चाहिए। तो ये जाएगा टच करके, ये यहाँ पे टेंजेंट बन गया। क्या हो रहा है ए का स्लोप, स्लोप ऑफ ए वो स्लोप ऑफ बी से क्या है? ज्यादा है, यस और नो? ये स्लोप बड़ा है और ये स्लोप छोटा है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। बच्चों एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। देखो ए से बी की ओर जा रहे हो आप, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होगा मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब ये क्या है? मोशन विथ डी एक्सेलरेशन, क्लियर? मोशन विथ डी एक्सेलरेशन, बच्चों ये भी याद रखना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास फिर से एक्स वर्सेस टी ग्राफ आ गया, यहाँ पे कोई कर्वेचर है नहीं, यहाँ पे नो कर्व, कर्व नहीं है, तो बच्चों वेलोसिटी क्या होगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा
नहीं, तो याद रखिए यहाँ पे हमने कौन से पॉइंट स्टडी किए बच्चों, अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ में कर्वेचर होता है तो कर्वेचर हमें एक्सलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है, अगर कर्वेचर हमारा अपवर्ड होता है तो एक्सलरेशन पॉजिटिव आएगा, अगर कर्वेचर डाउनवर्ड होता है तो एक्सलरेशन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ में कर्वेचर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो कर्वेचर से भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट नोट करने का था, हमने कर्वेचर से वेलोसिटी कैसे निकाला, तो हम बोल सकते हैं कि इन एक्स वर्सेस टी ग्राफ टेंजेंट टू द कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखिए एन एक्स वर्सेस टी ग्राफ टेंजेंट टू द कर्व गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि हमने कोई भी कर्व के अंदर, सपोज यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो टेंजेंट का स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देगा। तो ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं कर्वेचर इन वी वर्सेस टी ग्राफ। ये देखो हमारे पास वी वर्सेस टी ग्राफ में कर्वेचर है, ये रहा कर्वेचर, पर हमने कुछ पॉइंट्स पे टेंजेंट भी ड्रॉ करे हैं, है ना। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। देखिए वी वर्सेस टी ग्राफ में आपने कर्वेचर को टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट क्या शो करेगा, कोई स्लोप शो करेगा, है ना। तो वी वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, बट टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो लिखते हैं कि इन वी वर्सेस टी ग्राफ टेंजेंट टू द कर्व गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों अब यहां पे देखिए पर्टिकुलर दिस पॉइंट और दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ए और स्लोप ऑफ बी में कौन सा स्लोप बड़ा है, तो स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, मतलब कि जो एक्सेलरेशन ए के पास था उससे बी के पास एक्सेलरेशन बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बच्चों। यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहां पे देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास, ए पॉइंट के पास स्लोप बड़ा है, ये स्लोप बड़ा है और यहां पे स्लोप कम हो रहा है, मतलब कि स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। आप कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जा रहे हो, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यस सर, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बी वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट डिक्रीज हो रही है, जैसे यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट इंक्रीज हो रही थी। यहां पे देखिए क्या हमारे पास ये वी वर्सेस टी ग्राफ में कोई स्लोप है, यस सर स्लोप तो है, ये स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके यहाँ पे वी वर्सेस टी ग्राफ में कोई कर्व नहीं है, कर्व नहीं है मतलब कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मिलेगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्लोप पॉजिटिव है, नो कर्व, इसका एक मतलब ये भी होता है एवरेज एक्सलेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटिव मोशन भी निकालते हैं। प्लीज नोट डाउन।